खाद्य आपूर्ति विभाग के तहत चलाई जा रही अपात्र को ना पात्र को हाँ योजना के तहत सितारगंज विकास खंड में 180 अपात्र राशन कार्ड धारकों ने अपने राशन कार्ड को कार्यालय में सरेंडर कर दिया है। वहीं अपात्र कार्ड धारकों को आगामी 31 मई तक अपने राशन कार्ड सरेंडर करने का समय दिया गया है। तय समय में राशन कार्ड सरेंडर न करने पर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस पर पूर्ति निरीक्षक डीएम धामी ने बताया कि 31 मई के बाद पात्र व अपात्रों का सत्यापन कार्य शुरू किया जाएगा। अंत्योदय व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड धारकों में जो राशन कार्ड धारक अपात्र की श्रेणी में आते हैं वे अपने राशन कार्ड आगामी 31 मई तक पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में सरेंडर कर सकते हैं। यदि 31 मई के उपरांत कोई लाभार्थी या राशन कार्ड धारक अपात्र पाया जाता है तो उसके विरुद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर वसूली की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही पूर्ति ने कहा कि हेल्पलाइन नंबर 1967 पर किसी भी कार्य दिवस में 10 बजे से शाम 5 बजे के मध्य अपात्र राशन कार्ड धारक के संबंध में साक्ष्य सहित अपनी सूचना व शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वर्तमान में सरकार की मुहिम एक विशेष अभियान चलाया गया है जिसका नाम इस अभियान के तहत वो परिवार या वो राशन कार्ड धारी जो वर्तमान में अपनी स्थिति सही हो चुकी है वो अपने कार्डों को सरेंडर करें। कार्डों को सरेंडर करने के लिए विभाग की ओर से 31 मई तक की टाइम ड्यूरेशन दी गई है। 31 मई तक भी अगर कोई अपात्र व्यक्ति राशन कार्ड को